तो गाइस यार बड़े दिनों के बाद हम बीच पे आए, क्योंकि गाइस यार बीच का मौसम ना बहुत ही सुहाना था। और यार मैंने सुना है बीच पे कोई मेला लगा है और वहाँ पे बड़े बड़े प्राइज ही मिल रहे हैं, तो चलो हम वहाँ पे ढूंढते हैं, सिंचे शायद वही मेला है यार। अरे हाँ फेंकिन भी, मुझे भी लगता है वही मेला है, चलो पास जाके देखते हैं। पिछले साल आए थे तब ये यहाँ पे नहीं था यार। हाँ सिंचे नहीं था भाई, चल अब जाके देखते हैं। भाई ये कितना औसम लग रहा है। अरे हाँ वेंकिन भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया है, चलो इसके पास घूम के देखते हैं यहाँ क्या क्या चीजें हैं यार। अरे सिंचन ये तो मेला नहीं भाई, कोई गेम है। और यहाँ पे तीन तीन रिमोट कंट्रोल कार, एक साइकिल, बाइक, और भाई देख रहा है ये कार तो लंबोर्गिनी है भाई, ये अपने पास होती तो कितना अच्छा होता। अरे हाँ फेंकिन भी, अपने पास होती तो हमें साइकिल पे नहीं घूमना होता, इस कार में घूम रहे होते यार। हाँ सिंचर यार मजा आता है इस कार में घूमने पे। चल भाई इस आदमी से पूछता हूँ ये क्या चीज है। अरे भैया ये बताओ ये क्या चीज है। अरे भाई मुझे लगता है तुम यहाँ पे नए आए हो। अरे नहीं नए नहीं आए हम, यहाँ पे हम एक साल बाद आए, इसलिए हम पूछ रहे ये क्या चीज है। ओ ऐसा है, चलो मैं ठीक है मैं तुम्हें इसके बारे में बता ही देता हूँ। यह एक गेम है जिसे जो भी पार कर लेता है उसे बहुत ही बढ़िया प्राइज मिलता है, जैसे लंबोर्गिनी, बाइक, साइकिल और रिमोट कंट्रोल कार। इसे कम समय में जो भी पार करेगा ना उसे वैसा ही प्राइज मिलेगा, और इसका टिकट भी बहुत कम है। अरे क्या टिकट कम है, कितना कम है भाई। अरे भैया इसका टिकट तो बहुत ज्यादा कम है, पहले आप इनाम देख लो क्या क्या मिलेगा कम समय में। अरे हाँ हाँ बता दो क्या क्या मिलेगा। तो देखो आप कम समय में पार करोगे, जैसे 20 सेकंड में पार करते हो तो आपको लंबोर्गिनी मिलेगी, और 30 सेकंड में पार करते हो इस गेम को तो बाइक मिलेगी, और 40 सेकंड में पार करोगे तो ये साइकिल, और 1 मिनट में इस गेम को पार करोगे तो ये रिमोट कंट्रोल कार मिलेगी। अरे क्या इतने कम समय में गेम कंप्लीट करने पे ये सारी चीजें मिल सकती है मुझे। हाँ हाँ सारी चीजें मिल सकती है, तो चलो जल्दी से बताओ यार इस गेम का टिकट क्या है। अरे इस गेम का टिकट तो 50,000 रुपए। अरे क्या 50,000 रुपए, भाई सिंचन इतने पैसे तो अपने पास है ही नहीं। अरे हाँ पेंगिन भी, इतने पैसे अपने पास ही नहीं, आप क्या करेंगे यार इस गेम को अपन खेल नहीं सकते। हाँ सिंचन नहीं खेल सकते। अरे क्या भिखारी हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो यहाँ पे क्यों आए, मेरा समय बर्बाद किया तुम लोगों ने, चलो यहाँ से निकलो भिखारी कहीं के। अरे क्या हमको भिखारी बोला, तुझे तो अभी बताता हूँ मैं। अभी रुक सिंचन, इसकी तो पिटाई करनी पड़ेगी। अरे हाँ पिंकिन भैया इसकी पिटाई करेगी यार। हाँ सिंचन मुझे गुस्सा रहा, ये लड्डू सका। अरे बाप रे, तुरा तो मेरा पैर में ढोसा मार दिया, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, तेरे पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगा। अच्छा सिंचन हम बीच के किनारे से भाग गए, वरना यार वो पुलिस को हमें आज पकड़ा ही देता। अरे पिंकिन भैया ये सामने देखो, ये क्या हुआ यार, इतनी सारी कारें क्यों खड़ी है, और यहाँ पे तो मिलिट्री वाले भी खड़े हैं। अरे हाँ सिंचन मुझे भी ये समझ में नहीं रहा, आखिरकार यहाँ हुआ क्या, भाई तुम ही बता दो आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। अरे भैया तुम्हें क्या बताओ, तुम्हारे घर पे UFO क्रैश हो गया है और तुम अपने घर के अंदर नहीं जा सकते। अरे क्या मेरे घर के अंदर क्यों नहीं जा सकता। अरे देख रहे हो कितनी खतरनाक आग लग रही है, तुम अपने घर के अंदर नहीं जा सकते, और जाना चाहते हो तो मेरे मैनेजर से बात कर लो। अरे हाँ अभी जाके बात करता हूँ। अरे अरे तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आ गए। अरे मैं यहाँ का घर का मालिक हूँ। अरे हाँ तुम घर के मालिक हो, तो अच्छा तुम हो, अब तुम घर के अंदर नहीं जा सकते। अरे क्या नहीं जा सकता। अरे हाँ नहीं जा सकते, यहाँ पे बहुत ही बड़ा UFO क्रैश हुआ है और उसमें बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, और तुम इसके घर के अंदर नहीं जा सकते। अरे क्या घर के अंदर नहीं जा सकता, पर मेरा डॉग चोप उसके घर के अंदर है, उसे कुछ हो गया तो। अरे तो हम क्या करें इसमें भाई, तुम्हारी गलती है ना, अब हम अंदर नहीं जान दे सकते, यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है और मिलिट्री वालों का पहरा लगा हुआ है, और तुम अंदर जाने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया अब यार चुप का क्या होगा, उसकी आग के कारण जान चली गई तो मैं किसके साथ खेलूंगा यार। अरे सिंचिन चुप को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अरे फिंकिन भी क्या आइडिया है यार। अरे सिंचन तू तो जानता ना मैंने मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रखी है, और यार अपने घर को मिलिट्री वालों ने घेर रखा है, पर यार मैं मिलिट्री वालों से लड़ाई करके अपने घर के अंदर घुस जाऊंगा और जाके चोप को बचा लूंगा, कैसा रहा मेरा आइडिया। अरे यार फिंकिन भी आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, चलो जल्दी से जाके चोप को बचा लेते। हाँ गाइस यार हम चोप को बचाने जा रहे हैं, तो यार आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे हाँ गाइस जल्दी से हमारे सपोर्ट करो यार,
कर ताकि हमारा दोस्त चुप बच सके और हम उसकी जान बचा सके। सिंचन देख रहा है यहाँ से मैं जल्दी से ऊपर चढ़ जाता हूँ। अरे हाँ पिंकिन भैया चढ़ जाओ यार, पर यार मिलिट्री वालों से बच के रहना। अरे सिंचन तू डरता क्यों है, ये ले डूसा तेरी की तो। अरे ये कौन है, यहाँ कहाँ से आ गया। अरे बाप रे तूने तो मुझे मार दिया, मेरा सर फोड़ दिया। सिंचन देखे ना ये मिलिट्री वालों की तो पिटाई कर दी। अरे हाँ पिंकिन भैया आपने बहुत ही अच्छा किया, अब हम छत के ऊपर चलते हैं यार। सिंचन छत के ऊपर तो आ गए, ये ले तेरी की तो। अरे गया मैं तो काम से। सिंचन देखा सारे मिलिट्री वालों को मैंने मार दिया, भाई अब हमें जाना इस यूएफओ के पास। अरे पिंकिन भैया हमें तो चोप को ढूंढना था ना यार। हाँ सिंचन चोप को ढूंढना था, पर यार यूएफओ देखने आया अचानक से अपने घर के ऊपर कैसे क्रेश हो गया। अरे पिंकिन भैया ये यूएफओ तो बहुत ही बड़ा है। हाँ सिंचन ये बहुत ज्यादा बड़ा है भाई, मुझे तो कुछ समझ में ना ये अचानक से कैसे क्रेश हो गया। चल भाई अब जल्दी से चोप को जाके ढूंढ लेता हूँ। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया जल्दी से जाके ढूंढ लो। अरे गाइस ये क्या, अचानक से मैं ये कहाँ पे आ गया, मैं तो अपनी छत पे था और ये क्या है गाइस आखिरकार, ये तो यार बंदर है, मुझे तो इन्हें देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गाइस यार आखिरकार मुझे एक बात समझ में नहीं, मैं तो अपनी छत पे उस यूएफओ के पास था, अचानक से इस महल में कैसे आ गया। और यार इन बंदरों को देखो ये कैसे नाच रहे, मुझे तो इन्हें देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं इन बंदरों ने मुझ पे हमला कर दिया तो यार मेरी जान लेके रहेंगे। और यार ये बंदर तो मुझे लगता है सच में ही पागल हो गए, मुझे तो इन्हें देख देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आखिरकार मैं आ कहां गया हूं। और गाइस यार ये क्या चीज है, यहां पे कोई दरवाजा भी नहीं दिख रहा बाहर निकलने का, और ये शेर जैसी मूर्ति दिखाई दे रही है यहां पे, और यार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इन बंदरों के अलावा। गाइस यार मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, गाइस यार मेरा सपोर्ट करो ताकि यार इस खूंखार जगह से मैं बाहर निकल सकूं, यहां पे तो कोई दरवाजा भी नहीं है जिसे तोड़ के मैं बाहर निकल जाऊं। गाइस यार जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि यार मैं इस जगह से निकल जाऊं, पर यार मुझे कुछ समझ में ना आ मैं यहां से कैसे निकलूंगा, और मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है, और यार यहां इतना बड़ा महल कैसे आ गया, मैं तो यूएफओ के पास था। गाइस यार आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज यार कमेंट करके बता देना, प्लीज प्लीज जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मैं यहां से कैसे निकलूं। और ये बंदर तो देखो यार क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ में आया, मैं बहुत ज्यादा डरा हूं गाइस, प्लीज मेरा सपोर्ट करो। अरे गाइस ये क्या हुआ, अंधेरा अंधेरा कैसे हो गया, अरे ये क्या चीज है, भागो यहां से भागो। अरे इंसान तुम मुझसे डरो मत, मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं एक एलियन हूं और मेरा स्पेसशिप तुम्हारे घर पे क्रेश कर गया है और कुछ मिलिट्री वालों ने उसे घेर लिया है, मैं तुमसे सिर्फ मदद चाहता हूँ। अरे क्या तुम मुझसे मदद चाहते हो, पर यार मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, मेरा उसमें क्या फायदा। देखो इंसान तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली और जादुई शक्तियों से भरपूर कर दूंगा, प्लीज मेरी मदद कर दो। अरे क्या तुम्हारी मैं मदद कर दूँ, सच में भी तुम मुझे जादुई शक्तियाँ दोगे। हाँ इंसान मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ दूंगा जिससे तुम बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगे। क्या सच में भी जादुई शक्तियाँ मिलेगी, पर यार उसके लिए मुझे क्या करना होगा। इंसान तुम्हें जाके मेरे स्पेसशिप की आग बुझानी होगी, वो आग बुझा देती हो तो मेरा स्पेसशिप पहले की तरह ठीक हो जाएगा और मैं यहाँ से चले जाऊंगा, पर वो आग नहीं बुझी और मेरे पूरे स्पेसशिप में फैल गई तो मिलिट्री वाले मुझे पकड़ लेंगे और मुझ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। जा और जल्दी से जाके वो आग बुझा दो। एलियन में अभी जाता हूँ और यार तुम्हारे यूएफओ की आग बुझा देता हूँ। हाँ इंसान तुम जल्दी से जाओ, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, उसके बाद में तुम्हारे चोप को भी ढूंढने में मदद करूंगा। अरे क्या मेरे चोप को ढूंढने में मदद करोगे, ठीक है मैं अभी यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ। अरे यार पिंकिन भैया कहाँ चले गए यार, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे, अचानक से गायब हो गए वो तो। अरे ये क्या हुआ, अचानक से ये क्या हुआ यार। अरे पिंकिन भैया आप कहाँ चले गए थे। अरे सिंचन में तुझे सब कुछ बताता हूँ, पर यार अपना चोप अपने को मिल सकता है। अरे कैसे मिल सकता है यार, सिंचन में तुझे सब बताऊंगा, चल यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, उसके बाद तुझे बताऊंगा सब कुछ। अरे पिंकिन भैया अभी बताओ ना यार। सिंचन तो बात सुन मेरी, चोप अपना मिल जाएगा, मैं यूएफओ के अंदर अचानक से चले गया था। अरे क्या यूएफओ के अंदर अचानक से, पर यार कैसे चले गए थे। अरे सिंचन वो एलियन ने ना उसके जादू से मुझे अंदर बुला लिया था और वो मुझसे मदद मांग रहा था, वो बोल रहा था मुझे कि मेरे यूएफओ की आग तुम बुझा दोगे ना उसके बाद में तुम्हें जादुई शक्तियां दूंगा और यार तुम्हारे चोप को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अरे क्या चोप को ढूंढने में मदद करेगा, सच में भी फ्रैंकलिन भैया। हाँ सिंचन बहुत ज्यादा मदद करेगा और यार उसके बाद हम अमीर भी बन सकते हैं क्योंकि उससे मुझे जादुई शक्तियां मिलेगी। ठीक है आपको जादुई शक्तियां मिलेगी, मुझे लगता है यार वो एलियन वाली मूवी देखी है कोई मिल गया, उसमें एक एलियन उतरता है और हीरो को जादुई शक्तियां देता है, वैसे ही आपको आज जादुई शक्तियां मिलेगी यार। हाँ सिंचन आज तो मेरे साथ वैसा ही होने वाला,
खड़ा है, पर यार उस एलियन की मुझे मदद करनी होगी। ये फायर ब्रिगेड को यहाँ से चुराना होगा, उसके बाद जाके उसके यूएफओ की आग बुझानी होगी। अरे पिंकिन भैया, पर यार फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पे खड़े हैं, कहीं आपको पकड़ ना ले। नहीं सिंचन, ये मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, मैं चोरी छुपके यार इस फायर ब्रिगेड को चुरा लूंगा, उसके बाद यार हम वहाँ पे जाएंगे और यूएफओ की आग बुझा देंगे। अरे पिंकिन भैया संभल के, आपको कोई देख ना ले। अरे सिंचन, कोई भी मुझे देख नहीं रहा है। अरे पिंकिन भैया संभल के यार, ये देख रहा होगा। अरे सिंचन, इसे मार के अभी बेहोश कर देता हूँ। ये ले तेरी की तो, और तो कौन है सदा, पकड़ो पकड़ो। अरे पिंकिन भैया उठ रहे, फिर से मारो। ये ले तेरी की तो मुक्का खा। अरे तुम मजा मारेगा, मुझे तो बेहोश कर दिया मार मार के। अरे पिंकिन भैया आप तो इस फायर ब्रिगेड को चुरा सकते हैं। हाँ सिंचन जल्दी से इसमें बैठ जा भाई। अरे पिंकिन भैया मैं बैठूंगा नहीं, इसके पीछे लटकूंगा यार। हाँ सिंचन लटक जा भाई, पर गिरना मत। अरे पिंकिन भैया फिर फायर ब्रिगेड को स्लो चलाओ ना, मुझे डर लग रहा है, चक्कर भी आ रहा है। अरे सिंचन मैं फायर ब्रिगेड को थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, आगे आके बैठ जा। अरे पिंकिन भैया चलने दो, लटकने में जो मजा आ रहा है वो बैठने में कहाँ आता है यार। हाँ सिंचन ये बात तो बोली, चल फायर ब्रिगेड को जल्दी से भगा लेता हूँ, जाके घर पे जल्दी से उस यूएफओ की आग बुझा देंगे, उसके बाद वो एलियन हमें जादुई शक्ति देगा और यार चोप को ढूंढने में मदद भी करेगा। अरे हाँ पिंकिन भैया हम घर पे आ गए, पर मिलिट्री वाले हमें कुछ करे उसके पहले ये आग बुझा दो यार। हाँ सिंचन अभी आग बुझा देता हूँ। ये ले तेरी की तो आग बुझ गई। अरे पिंकिन भैया बहुत ही बढ़िया, आग अभी बुझ जाएगी यार यूएफओ की। हाँ सिंचन मुझे भी लगता है। अरे ये कौन है, ये कौन आग बुझा रही है, इसे जल्दी से जाके पकड़ो। अरे पिंकिन भैया मिलिट्री वाले आ रहे हैं, जल्दी से आग बुझाओ ना यार, आज इसे छोड़ना मत, इनको सबको पकड़ लो। जी सर अभी पकड़ लेता हूँ। अरे सिंचन देख रहा भाई आग बुझ गई। अरे हाँ पिंकिन भैया आग तो बुझ गई, पर यार मिलिट्री वालों ने तो हमें पकड़ लिया यार, अब क्या करें। हाँ सिंचन पकड़ तो लिया, पर कुछ बोलना मत भाई। अरे तुमने ये क्या किया, तुमने यार यूएफओ की आग बुझा दी और यूएफओ यहाँ से गायब हो गया, तुम्हारी कोई साजिश है ये क्या? अरे नहीं सर, हमारी कोई साजिश नहीं है, वो तो यार मैंने आग बुझा दी, मेरे घर में कहीं आग ना लग जाए इसलिए। और यार वो यूएफओ तो यहाँ से गायब हो गया, तुम्हें उसे जाके ढूंढना होगा। अरे हाँ तुमने ये बात तो सच बोली, यूएफओ को हमें ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ चल गया, चलो गार्ड्स जल्दी से आ जाओ और हमें ढूंढना पड़ेगा वो यूएफओ कहाँ गया है। अरे पिंकिन भैया आपने तो बहुत ही अच्छा आइडिया लिया, इन्हें चूना लगा दिया यार। हाँ सिंचन क्या करूँ, दिमाग के साथ यार मेरे पास है ना बॉडी भी अच्छी है, इसलिए तो मैं दिमाग का यूज करता हूँ ज्यादा। अरे हाँ पिंकिन भैया बहुत ही अच्छा काम किया, अब तो यार हमारा घर भी सुरक्षित है, हम अपने घर में रह सकते हैं यार। हाँ सिंचन यार रह सकते हैं, पर यार चोप कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और फ्रैंकलिन भैया आप सब कहाँ चले गए थे, मैं गैरेज में कब से सोया था। अरे क्या चोप, तू गैरेज में सोया था भाई, हमने तुझे पूरे घर में ढूंढ लिया। और क्या घर में ढूंढ लिया, पर मैं तो गैरेज में सोया था, आखिरकार यहाँ पे ये सब क्या है। अरे चोप यहाँ पे है ना यूएफओ क्रेश हो गया था और मिलिट्री वालों की भीड़ लग गई थी। अरे क्या मिलिट्री वालों की भीड़ लग गई थी, मैं तो आराम से सोया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, और ये क्या है यार। अरे चोप ये क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हाँ पिंकिन भाई ये क्या है, ये तो जादू ही अंडा लगता है यार। हाँ सिंचन मुझे अभी याद आया, वो एलियन ने मुझे बोला था मैं तुझे जादू ही शक्तियाँ दूंगा, और आखिरकार मुझे जादू ही शक्तियाँ दे दी शायद। अरे हाँ पिंकिन भाई इस अंडे को हाथ लगाओ ना, आप में जादू ही शक्ति आ जाएगी। हाँ सिंचन अभी लगाता हूँ भाई इस अंडे में हाथ, उसके बाद मुझे जादू ही शक्तियाँ मिल जाएगी और यार हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। अरे पिंकिन भाई ये क्या हुआ, जैसे ही अंडे को हाथ लगाया ये गोल्ड डायमंड और इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया यार। सिंचन मैंने जैसे ही अंडे को हाथ लगाया मैंने गोल्ड डायमंड के बारे में सोचा और यहाँ तो सच में भी गोल्ड डायमंड आ गया भाई, अब तो हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। अरे हाँ पिंकिन भी बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे, अब तो मेरे पास रिमोट कंट्रोल कार भी आ जाएगी यार। हाँ सिंचन तेरे पास रिमोट कंट्रोल कार भी आ जाएगी, और भाई यार अब क्या करें, हम क्या खरीद के लाए सबसे पहले। अरे फ्रैंकलिन भैया हम सबसे पहले रिमोट कंट्रोल कार लाएंगे, पर यार ये क्या हुआ अचानक से, इतने बड़े बड़े ओले आसमान से क्यों गिर रहे यार। हाँ सिंचन ये तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं रहा, इतने बड़े बड़े ओले अचानक से आसमान से क्यों गिर रहे। गाइस यार आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करके बता देना। गाइस यार आज के लिए इतना ही, बाय गाइस, प्यारा वाला बाय।